हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का साइंस बुक से चैप्टर 5 को करेंगे। पार्ट 5 है, इसमें किशोरावस्था की ओर चैप्टर का नाम है। इंग्लिश में इसी चैप्टर को हम लोग टुवर्ड्स द एडोलेसेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो अपडेट आपको मिलता रहेगा। साथ में एक वीडियो अगर अच्छा समझ में आता है, लगता है कि जो बनाया गया वीडियो है पूरी तरीके से समझाने में सक्षम हो पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देंगे, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो चैनल का बनाया गया है, ठीक है, ये चैप्टर का बनाया गया है, तो वो भी आप जाकर देख लेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, ठीक। तो हम इस संसार को अपने ज्ञान इंद्रियों की सहायता से पिछले कक्षाओं से आप जान चुके हैं कि किस प्रकार पौधे में एक निश्चित अवधि के बाद कुछ बदलाव देखे जाते हैं। तो हम लोग समझ चुके हैं, इतना क्लासेस हम लोग पढ़े हैं अभी तक, ठीक है। हम लोग 8 क्लास में आ गए हैं, 7 क्लास तक पढ़े हैं थोड़ा थोड़ा करके। उसमें हम लोग सीखे हैं कि कुछ ना कुछ परिवर्तन पौधे में आते रहता है, ठीक है। क्या मनुष्य में भी इसी प्रकार का किसी निश्चित समय अवधि के दौरान कुछ बदलाव आता है? तो बोला जिस तरह से पौधे में जो बदलाव आता है, क्या इसी तरीके से मनुष्यों में भी आता है क्या? तो हम लोग इसको देखेंगे। क्या आप अपने बालक काल से अभी तक अपने अब कुछ अच्छा या नहीं है कुछ बदलाव परिवर्तन अनुभव कर पाए हैं? तो जब हम लोग बच्चे थे उसमें हम लोग को बॉडी में जो जो चीज़ होना चाहिए और अभी जो है, ठीक है, क्या उसमें कुछ परिवर्तन आया है? आपका परिवर्तन कुछ हो रहा है बॉडी में, या फिर जैसे थे बच्चे में वैसे ही हैं, सिर्फ शरीर बढ़ रहा है? तो आइए क्रियाकलाप के द्वारा अपने होने वाले परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त कीजिए। इस क्रियाकलाप से आप स्पष्ट रूप से जान चुके हैं कि समय बीतने के साथ साथ मनुष्य के जीवन में शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक बदलाव परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि हम लोग जानते हैं, हम लोग अनुभव किए होंगे कि जैसे जैसे समय बीतते जाता है हम लोग के शारीरिक और मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, ठीक है, तीनों ही स्तर पर क्या होता है, कुछ ना कुछ बदलाव होता है। जब हम लोग बच्चे होते तो एक बचपना सा रहता है, ठीक है, शरीर भी बच्चा जैसा होता है, मानसिक शक्ति यानी कि सोचने समझने की शक्ति भी उतना नहीं होती है, किसी भी कोई भी चीज़ डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वही जब थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं हम लोग, एडोलसेंस में चले जाते हैं, तो थोड़ा सा कुछ कुछ डिसीजन ऐसा होता है जो हम लोग खुद लेने लग जाते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग मानसिक परिवर्तन, तो शरीर में भी कुछ कुछ परिवर्तन आने लग जाता है, और हम लोग देखेंगे सामाजिक तौर पे भी आपको थोड़ा सा पहचान मिलने लग जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे बदलाव होते हैं जो कि हम लोग आगे हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कुछ क्रियाकलाप कर लेते हैं, इससे हम लोग चैप्टर को समझने में पता चलेगा। आवाज़ भारी होना, तो केवल में लड़कियों में आवाज़ भारी होता है कि केवल लड़कों में, या दोनों का आवाज़ भारी हो जाता है ना? ये बदलाव है एडोलसेंस के दौरान, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि लड़कों की आवाज़ में सिर्फ क्या होता है, ये भारीपन आता है, तो इसमें हम लोग टिक लगा देंगे। कंधों की चौड़ाई बढ़ना, तो कंधों की चौड़ाई क्या होता है, दोनों का बढ़ता है, लड़की का भी और लड़का का भी, ठीक है। चेहरे पे दाढ़ी मूछ आना, लड़कों का सिर्फ होता है आवाज़ का सुरीली होना, लड़की सबका आवाज़ और बहुत ज़्यादा सुरीली हो जाती है, ठीक है। स्तनों का विकास होना, स्तन जो होता है वो लड़कियों में पाया जाता है, तो लड़कियों यानी स्त्रियों में ये स्तनों का विकास होने लगता है इसी जीवन काल में, ठीक है। जो हम लोग का चैप्टर क्या क्या नाम है, किशोरावस्था एडोलसेंस, तो एडोलसेंस के एज में ही ये सारी चीज़ें होती है बदलाव। मांसपेशियों का विकास होता है, तो मांसपेशियों का विकास, दोनों का मांसपेशियों का विकास होता है। कूल्हों का चौड़ा होना, ठीक है, तो लड़कियों में ज़्यादा देखा जाता है। शरीर के आकार की लंबाई और वजन में तेज़ी से वृद्धि होना, ये दोनों जो चीज़ है लड़कों में होता है, सॉरी ये सब में दोनों में होता है, शरीर की वृद्धि दोनों में, लड़कियों का भी हाइट बढ़ता है और वजन में वृद्धि होती है। जल्दी जल्दी भावनाएं बदलना, ठीक है, भावना दोनों का बदलता है, ठीक है। अब देखेंगे कि एडोलसेंस में आने के बाद, किशोरावस्था में आने के बाद बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे हम लोग गुस्सा करने लगते हैं। सभी के जीवन में फेज आता ही आता है, सारे अस्थाई दांत आ जाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे होके सारे अस्थाई दांत आते हैं, तो दोनों का आता है, लड़का का लड़की का, तो 32 का जो सेट होता है दांत, 16-16 का, वो दोनों आता है। त्वचा का तेलीय होना, दोनों का फेस जो है ना ऑयली हो जाता है, ठीक है, सारा किशोरावस्था एडोलसेंस के दौरान होता है। अपना रोल मॉडल तय करना, अब हम लोग किसी को पसंद या नापसंद करने लग जाते हैं, ठीक है, अपने एवं अभिभावक के विचार में अंतर महसूस करना। आप देखेंगे कि आपके पापा बोलेंगे नहीं ऐसे करना चाहिए, आपको लगेगा नहीं गलत है, आप बोले गलत बोल रहे हैं, अपने पापा से भिड़ जाते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे होना चाहिए, और ये सब इसी एज में होता है। लगता है
हम लोग ज़्यादा जानते हैं और इस एज में ऐसा महसूस होने लगता है। विपरीत लिंग के प्रति झुकाव आना, अगर लड़की है तो लड़का के प्रति झुकाव आता है, लड़का है तो लड़की के प्रति झुकाव आने लगता है, एक अट्रैक्शन फील होता है, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है इसी एज में होता है। तो ये जितना भी पॉइंट्स अभी हम लोग टिक आउट किए, ठीक है, ये क्या था, ये दर्शाता है कि हम लोग बॉडी में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, इसको ये दर्शाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ेंगे, पेज नंबर 2 में आगे इसमें दिया है कि इसे हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिवक्त आती है, किशोरावस्था कहलाती है। तो यहाँ से आपको ना एक चीज़ ध्यान रखना होगा, यहाँ से हम लोग का एडोलसेंस किशोरावस्था का क्या मिल गया डिफिनेशन, कहाँ से, यहाँ से कि जीवन काल की वह अवधि, जीवन काल की वह समय, ठीक है, जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं, क्या क्या होता है, आवाज़ में परिवर्तन, ब्रेस्ट का साइज बढ़ना, ठीक है, और क्या होता है, यह शोल्डर का चौड़ा होना, और क्या बताए थे, लड़कियों का आवाज़ सुरीला होना, लड़कों का आवाज़ थोड़ा भारी होना, ठीक है, चेहरे पे दाढ़ी आना, ये सारी चीज़ें जो परिवर्तन हैं ये कहाँ होता है, किशोरावस्था में ही होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किशोरावस्था बोलेंगे। जहाँ पर ये परिवर्तन देखेगा उस अवस्था को, उस काल को हम लोग क्या बोलते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं। इंग्लिश में इसी को एडोलसेंस बोलते हैं, ठीक है। किशोरावस्था की शुरुआत लगभग 10 से 11 वर्ष की आयु में माना गया है कि 10-11 वर्ष की आयु होने पे ये स्टार्ट हो जाता है, तथा वह 18-19 वर्ष तक की आयु तक ये जो परिवर्तन बॉडी में है ये होते रहता है। इतने वर्ष तक क्या होता है, लगभग 10 से 18-19 वर्ष तक के बीच में ये होता है कि जितना भी बॉडी होता है बॉडी पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। जैसे कि हम बताते हैं कि लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 2-3 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। तो लड़कों में अगर 10 साल में स्टार्ट हो रहा है तो लड़की में 9 साल के साल में ही क्या होता है, थोड़ा सा ये जीवन की ये जो परिवर्तन है स्टार्ट हो जाता है, लड़कियों में जल्दी देखने को मिलता है, ठीक है। जीवन काल के इस अवधि को अंग्रेजी में टीन्स कहते हैं। तो ये जो अंग्रेजी में टीन क्यों, क्योंकि यहाँ देखो 11 के बाद 12 होता है, 13, 14, 15 ऐसे आता है ना, टीन टीन, तो इसलिए इस अवस्था को हम लोग टीन बोलते हैं। और किशोरा बालिका एवं बालिकाओं को टीनेजर कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि टीन वाला अवस्था है। टीन मतलब क्या, 13, 14, 15, 16, 17, टीन टीन आता है, इसलिए इसको टीनेजर बोला जाता है, इस जीवन काल की अवस्था को, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इस उम्र में जनन क्षमता का विकास होना योना आरंभ कहलाता है। तो इस समय जब जनन क्षमता की एक व्यक्ति के पास जो ऑर्गेन्स होते हैं जो जनन करने में, ठीक है, बच्चे जन्म करने के लिए जो उत्तरदायी होते हैं, वो सारे जो जनन करने वाले वो जो अंग होते हैं उनका विकास होना ही क्या कहलाता है, योना आरंभ कहलाता है, ठीक है। तो ये सब इसी अवस्था में होता है, हम लोग का एडोलसेंस किशोरा अवस्था में ही सारा चीज़ होता है। मानव के जीवन काल में उनके उम्र के अनुसार कई अवस्थाएं होती है। अगर मानव का जीवन देखा जाए तो 0 से 5 वर्ष की आयु के जो होता है इसको बोलते हैं शैशव अवस्था बोला जाता है, इसको याद रखना है, ठीक है। 0 से 5 साल की बीच के जो एज होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शैशव अवस्था बोलेंगे। और 6 से 10 साल की उम्र जो होती है ना उसको हम लोग बालक अवस्था बोलते हैं, उसको बालक बोला जा सकता है, ठीक है। और 11 से स्टार्ट होकर 19 साल तक जो रहेगा उसको हम लोग किशोरावस्था बोल सकते हैं। और फिर आता है 19 के बाद 20 साल से आगे 35 साल के आसपास में उसको युवावस्था बोला जाता है, ठीक है। फिर 35 के बाद जैसे जैसे आपका युवावस्था खत्म होता है इसके बाद अवस्थाएं थोड़ा सा क्या बूढ़ा बुजुर्ग होना शुरू हम लोग हो जाते हैं, ठीक है, इसको प्रौढ़ावस्था कहते हैं। तो ये चीज़ है। तो जो भी हम लोग अपने जीवन में कोई चीज़ भी अचीव करते हैं ना हम लोग युवावस्था में करते हैं, ठीक है। बालक अवस्था तक किशोर अवस्था तक हम लोग पढ़ लिख रहे होते हैं, उसके बाद हम लोग अपने जीवन में अचीव करते हैं। इसलिए आपको हमेशा क्या करना चाहिए, अपने पढ़ाई पे फोकस रख के और ये सारी चीज़ों से दूर रह के जो भी बुराई है, ठीक है, करने वाले करते रहेंगे, आपको पढ़ाई में फोकस करना है। क्योंकि आप जो करना है आपके पास में बस 20 से 25 साल के एज तक का ही समय है, इतना ही सा एज में आप जो भी नया चीज़ करना चाहते हैं कर पाएंगे, उसके बाद जीवन एक तरह से सेचुरेट हो जाता है, कोई एक काम पकड़ लेते हैं फिर आप उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपका पढ़ाई भी लगभग लगभग खत्म होने के कगार पर होता है। योना आरंभ में होने वाले परिवर्तन, अगर देखा जाए कि योना आरंभ जो होता है इसमें क्या क्या परिवर्तन आता है, तो क्या आपकी उम्र के अनुरूप आपकी पूर्ण लंबाई सही है, आइए इसका पता लगा सकते हैं। मान के चलिए आपकी उम्र 12, 13, 15 साल है, तो आपका 16 साल है, 17 साल है, तो आपका हाइट कितना होना चाहिए, ठीक है, इसको हम लोग पता लगा सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है लंबाई में वृद्धि, आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पूर्ण
लंबाई की गणना करें। सारणी 5.2 में लड़कियों और लड़कों की अनुसार लंबाई और वृद्धि की औसत दर दर्शाया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं सारणी 5.2 है ये, है ना। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्रियाकलाप क्या करेंगे इसमें पूर्ण लंबाई की गणना करेंगे, ठीक है। पूर्ण लंबाई की गणना सेंटीमीटर में किया जाएगा, वर्तमान में लंबाई कितना है बच्चा का, ठीक है, उसको सेंटीमीटर में करेंगे। उसके बाद वर्तमान आयु के पूर्ण लंबाई का प्रतिशत करेंगे, प्रतिशत निकाल देंगे, उसके बाद 100 से गुना कर देंगे। तो जब ऐसा हम लोग करेंगे तो इससे हम लोग को मिल जाएगा कि लड़का, जैसे कोई 8 वर्ष का है, तो अगर लड़की है तो उसका 77% लंबाई बढ़ चुका है, ठीक है। और अगर बाद के लड़का तो 72% लंबाई बढ़ चुका है। अगर ना 9 साल का अगर कोई है तो 80, और इस तरह का यहाँ डाटा दिया है, देख सकते हैं, ठीक है। कोई अगर बच्चा है 18 साल हो गया तो 18 साल में 100% दोनों का पूरा हो जाता है लंबाई वृद्धि, ठीक है। इसके बाद बहुत कम चांसेस होता है कि 18 साल के बाद आपका हाइट बढ़ेगा, तो जो भी हाइट बढ़ना है 18 साल के आसपास ही बढ़ता है, 100% हो जाता है हाइट का बढ़ना। रानी की वर्तमान आयु 11 साल है, उदाहरण दिया गया है कैसे निकालते हैं ना, वो तथा इसका लंबाई 160 सेंटीमीटर है और वृद्धि काल समाप्ति के अनुपात लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले उसका सेंटीमीटर में हाइट लिखते हैं और नीचे लिखते हैं उसका क्या, उसका लिखते हैं वर्ष। 11 साल है, 11 साल का प्रतिशत लिखेंगे, ठीक है। तो 11 साल का प्रतिशत 88 हो जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा 100 कर देंगे। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो कितना है 181 सेंटीमीटर, यानी कि इसका टोटल अगर हाइट देखा जाए ये 181 सेंटीमीटर की ये इसका हाइट होगा रानी का, ठीक है। इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला बैठा के लगा सकते हैं। और अच्छे समझना है तो इसको एक अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो में बता देंगे, कॉमेंट कीजिएगा कि कैसे निकालते हैं, तो बहुत सारा उसमें हम ले लेंगे एग्जाम्पल और उसमें और अच्छे से बता देंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं क्रियाकलाप 3 की ओर। क्रियाकलाप 3 में क्या है आपको ध्यान से देखना है। क्रियाकलाप 3 में, क्रियाकलाप 2 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करके ग्राफ बनाना है। वायु को एक्स अक्ष पर हम लोग दिखाएंगे और लंबाई को वाई अक्ष पर हम लोग अंकित करेंगे, ठीक है। और अपनी आयु के ग्राफ को विशिष्ट चिन्हित करेंगे। इसके बाद अब अपनी लंबाई के प्रतिशत का पता लगाएंगे। उसके बाद आप अंततः जिस लंबाई के प्राप्त कर सकेंगे उसका परिकलन करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने ग्राफ की तुलना ग्राफ इस ग्राफ से हम लोग करेंगे कि क्या होना चाहिए और क्या है आपका, ठीक है। तो देखिए हम लोग एक्स की ओर जो है हम लोग लिख दिए क्या, एच को लिख दिए। वाई की ओर हम लोग अपना हाइट का सेंटीमीटर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग यहाँ पर ऐसे लगाते जाएंगे कितना हम लोग बढ़े हैं, ठीक है। और इस तरह का ग्राफ हम लोग बना लेंगे। तो ये ग्राफ दिखाता है कि आयु के साथ बढ़ती ऊंचाई का प्रतिशत दर्शाया गया, ठीक है। इसमें कौन सा प्रतिशत दिखाएगा, देखो आपको बताते हैं। यहाँ एक हम लोग टेबल था, इधर ये टेबल का ग्राफ यहाँ बनाया गया, ठीक है। ये टेबल का ग्राफ है कि 8 साल में कितना था, 72-75 जो भी था यहाँ आ गया। 9 साल के एज में 75 एज हो गया, ठीक है। ऐसे करके दिखाया गया, लड़का लड़की दोनों का दिखाया गया। आगे बढ़ते हैं, ग्राफ अवलोकन से स्पष्ट होता है कि लड़कियां लड़कों की तुलना में ज़्यादा तीव्रति से बढ़ती है ना। तो लड़की का जो हाइट है जल्दी बढ़ता है लड़कों की तुलना से, मतलब उसका शरीर जल्दी विकसित हो जाता है। साथ ही अलग अलग व्यक्ति के बढ़ने की गति भी भिन्न भिन्न होती है। मतलब लड़का बोले ऐसा नहीं कि सबका एक साथ बढ़ेगा, लड़कों का अलग अलग हाइट बढ़ता है, ठीक है। अपने जेनेटिक गुण के आधार पर वो बढ़ता है, कुछ तीव्र गति से बढ़ते हैं तो कुछ बाद में धीमी गति से बढ़ते हैं, फिर बाद में जाके तेज़ी से उसका हाइट बढ़ता है, ठीक है। इस तरीके से हाइट बढ़ता है। क्या हमारे शरीर के सभी अंग समान गति से वृद्धि करते हैं, तो क्या हम लोग का जो शरीर है सब एक समान गति से बढ़ते रहता है, या फिर कोई पहले ज़्यादा विकसित हो जाता है फिर दूसरा चीज़ विकसित है। तो कभी कभी किशोर के हाथ और तथा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु किशोर अवस्था में अंततः शरीर के दूसरे भाग में वृद्धि कर शरीर अनुपात को समान कर देता है। तो होता है कभी हाथ पैर जल्दी लंबा हो जाएगा फिर बाद में शरीर, तो लेकिन ऐसा नहीं कि छूट जाएगा, सब एक अनुपात में बढ़ते हैं, ठीक है। कभी हाथ पैर लंबा हो गया तो उसके अनुसार आपका शरीर भी उसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है, जिससे शरीर सुडोल हो जाता है। सुडोल मतलब अच्छा दिखने लग जाता है, ठीक है। क्या आपने गौर किया है कि आपकी लंबाई परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। इसका क्या कारण होता है कि लंबाई माता पिता के से प्राप्त अनुवांशिक जीन यानी अनुवांशगत लक्षण पर निर्भर करता है कि आपके पापा मम्मी कितने लंबे, उसी के अनुसार आपका भी हाइट बढ़ता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक कर लिए। अगले वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, बात करेंगे शरीर के आकार में परिवर्तन कैसे आता है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी बनाना पड़ेगा बनाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। आई होप कि पूरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे, साथ में शेयर भी करेंगे दोस्तों के साथ में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।